बच्चे, जब मैं अस्पताल से वापस आऊं तो तुम लोग तैयार है ना, हमें जल्दी निकलना है। अम्मी, मैं एक बार अलीना से मिलना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। नहीं बेटा, हमें किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक है अम्मी, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। बस आप एक बार मुझे मेरी प्यारी दोस्त से मिलने तो दीजिए। आप इतनी जालिम क्यों बन रही हैं अम्मी? अम्मी, कल मेरी शादी होगी, अब पीछे रह क्या गया है? मैं यहां से दूर जा रही हूं। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं आखिरी दफा उससे मिल लूं? ठीक है सितारा, ठीक है, चली जाना उसकी तरफ, ये पहन कर जाना। और हाँ बेटा, तुम घर पर ही रहना, ठीक है? अगर वो ना आया तो? वो आएगा, मुझे यकीन है कि तौफीक जरूर आएगा। याद रखो, कल सुबह का सूरज निकलते ही इस्पली के साहिल पर असलहा पहुंच जाना चाहिए। कौन है? मैं हूं कर्नल तौफीक। क्या तुम्हारी पेशकश अभी तक दस्तयाब है? हाँ बिल्कुल है कर्नल साहब। हाँ ठीक है, तुम मुझे वक्त और जगह बताओ। तो फिर ठीक है, कल सुबह इप्सली के साहिल पर आ जाएगा। इप्सली के साहिल पर? इप्सली कल? हाँ। यूनानी फौज को तुम पर फखर होगा। तुम्हारा काम हो गया, मेरा माल मुझे अभी चाहिए, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। लेकिन मैं किसी गवाह को जिंदा कैसे छोड़ दूं? अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो बेटा, अम्मी कहाँ हैं? वो अंदर खाना बना रही हैं, बुलाओ उन्हें। अम्मी आप अस्पताल जाएं, आपको देर हो रही होगी। और आप परेशान मत हो, मैं सिर्फ इससे ही मिलूंगी। ठीक है, घर जल्दी आ जाना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सितारा, अब यहीं खड़ी रहोगी कि अंदर भी आओगी? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ सितारा? इनको अच्छी तरह साफ करो, ये आज जाएंगे। आइए कर्नल साहब, मैं सारी रात इंतजार करता रहा लेकिन आप आए नहीं। ये रखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम्हें वो कश्ती चियोज के जजीरे पे मिलेगी। उस कश्ती की पहचान यह है कि इफ्तालिया नाम है उसका। तो जैसे ही तुम्हें इफ्तालिया मिल जाए, उसके कप्तान को ये देना, वो समझ जाएगा। तुम समझ गए? जी समझ गया। निकलोगे कब यहाँ से? मैं यहाँ के सबसे तेज जहाज पे जाऊंगा, वक्त नहीं लगेगा। तुम काबिले भरोसा हो, उम्मीद है कि तुम इस भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगे। जी बिल्कुल।
आयजा मोहतरमा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्पताल में यूनानी सिपाही आए थे, वो डॉक्टर मुस्तफा का पूछ रहे थे। क्या आपको पता है डॉक्टर मुस्तफा कहाँ है? वो कई दिनों से गैर हाजिर है, हम भी बहुत परेशान हैं। अब हमें ज्यादा काम करना होगा। हमारे पास तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, हम भला मरीजों की देखभाल कैसे करेंगे? हमसे जो बन पड़ा हम करेंगे। आयशा मोहतरमा, कल हमारी बात नहीं हो सकी तो सोचा यही बात कर लूं। मुझे अभी लेफ्टिनेंट लियोन से मिलना है। जी रुकिए जरा, जरा जल्दी बुलाइएगा। सितारा तुम यहां? तो बताइए कि आप डॉक्टर मुस्तफा के बारे में क्या जानती हैं मोहतरमा? मैंने आपसे पहले भी कहा था मैं कुछ नहीं जानती। इनका बैग खोलना जरा। क्या उस डॉक्टर को ये अद्वियात चाहिए मोहतरमा? हर हफ्ते यहाँ से गरीब मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात जाती हैं। मेरे पास इन सब का रिकॉर्ड है, चाहे तो आप देख भी सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए हो तो हम उसके लिए हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया। अगर उस डॉक्टर के बारे में कोई भी मालूमात मिले तो फौरन बताइए। तुम्हें कैसे पता? इसीलिए पता चला क्योंकि हर हफ्ते डॉक्टर मुस्तफा ही लेकर जाते थे। जब आप उनसे मिले तो मेरा सलाम कहिएगा। शुक्रिया। जहाज मिल गया है। बहुत खूब, तैयार हो जाओ, असलहा उसी में है। तो फीका क्या होगा? जब तक वो पहुंच नहीं जाता हम नहीं जाएंगे। उसे बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। उस गद्दार को छोड़ो, तुम लोग सिर्फ असलहे की फिक्र करो। पाशा की कश्ती स्प्ली बंदरगाह पर सूरज निकलने से पहले ही पहुंच जाएगी। वहां यूनानी फौज के पहुंचने से पहले असलहा महफूज करना होगा। पाशा, आप तो जानते हैं मेरा सारा माल खत्म हो गया है। मेरे पास ये आखिरी मालूमात है। अगर कभी तुम पकड़े जाते हो तो जानते हो ना तुम्हें क्या करना होगा। हमें हमारा मकसद जान से ज्यादा अजीज है। हम जरूर कामयाब होंगे बादशाह। तो खुदा तुम्हारा निगहबान। तो सितारा मोहतरमा, तो तुमने ही कुआयो पहुंचने में लियोन की मदद की थी, है ना? मैंने तो सिर्फ उसे हेडक्वार्टर्स का बताया था। मैं तो समझा था कि तुम पुरानी तहजीब के मुताबिक जी रही हो, मगर तुम तो हम यूनानियों से भी दो कदम आगे निकल गई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम हमारी तहजीब को बहुत अच्छी तरह समझती हो सितारा। अगर तुम्हारे पास डॉक्टर के बारे में कोई मालूमात है तो तुम हमें बता सकती हो, क्योंकि उसने लियोन पर हमला किया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक कहा ना सितारा? जब आप लोग डॉक्टर मुस्तफा को पकड़ लेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे? देखो, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उसकी हल्की सी तफ्तीश करेंगे और कुछ नहीं।
मैं जानती हूँ मुस्तफा समी कहाँ होगा। तुम बहुत समझदार लड़की हो सितारा। खुश आमदीद मरीका। बहुत शुक्रिया हसीबा खाला, ये मैंने कुछ कबाब बनाए थे तो मैंने सोचा आपके लिए भी ले चलूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अलीना और सितारा नहीं आई तुम्हारे साथ? क्या सितारा घर नहीं पहुंची? वो कैसे पहुंचेगी घर, वो तो अलीना के साथ तुम्हारे घर में है। नहीं तो खुश आमदीद मरीका हाला। शुक्रिया हिलाल बेटी। हिलाल, सितारा कहाँ है, क्या छुपा रही हो तुम दोनों मुझसे? वो अलीना के साथ जरूर खरीदारी के लिए गई होगी, मैं उसे देखकर आती हूँ। क्या मतलब खरीदारी के लिए गई है, जाओ उसे लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ दादी माँ। जल्दी से, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। जी क्यों नहीं, उसके बगैर मत आना। बेवजह हिजरे याराना सता, बेवजह बन गया तू वजह, बेवजह दिल से कह वक्त रुक जा पागल, चल पड़ा है ये वफा करने बेवजह, मैं उसे भूल चुका भूल चुका। बात ऐ दिल ना बढ़ा बेवजह, हिजरे याराना सता बेवजह। बन गया तू क्यों वजह बेवजह, अली कमाल। खुश आमदेद। क्या हुलिया बना लिया है? क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या किसी से मोहब्बत कर बैठे हो? अब याद आ रही है ना उसकी? क्या मोहब्बत में ऐसा ही होता है? भला मुझे मोहब्बत से क्या काम, कोई गर्ज नहीं है मोहब्बत से। मोहब्बत तो अहमकों का काम है, अहमकों का। और अली कमाल, जब मोहब्बत होती है तो दिल पर काबू नहीं रहता। मोहब्बत होती है या नहीं होती, की नहीं जाती। और अली कमाल, तुम्हें मोहब्बत है और अब इसको छुपाने से कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द है तुम्हारी बातों में, शायर हो। मैंने तो सिर्फ वो पढ़ा है जो तुम्हारी आंखों में लिखा है। अली कमाल, तुम दिल के बहुत साफ हो। जो भी तुम्हारे दिल में है आंखों से नजर आता है। सारा मसला दिल का है। ठीक कहा तुमने अलीना, वैसे इस दिल को नहीं होना चाहिए था। सही कहा ना, जितने भी दर्द है ना वो सब इस दिल की वजह से हैं। काश कि ये ना होता। ऐसे तो ना कहो, किसी एक के ना मिलने से कुछ नहीं होता। तुम मोहब्बत के लिए बने हो, बस मोहब्बत करो।
कौन मुझसे मोहब्बत करेगा? सब जानते हैं मुझे, मेरे माँ बाप कौन है, खानदान क्या है। बहुत बुरा हूं मैं, किसी काम का नहीं हूं। अली कमाल, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहादुर हो, मुखलिस हो, हर किसी से प्यार करने वाला शख्स। बस उन्हें याद करना छोड़ दो जो तुम्हें भूल गए हैं, और जो तुम्हारे साथ है उनसे प्यार करो। ठीक कहा तुमने, तुम खुद बहुत अच्छी हो, खूबसूरत हो, समझदार भी। और हां, तुम देखना, अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें। मेरा कोट दो मुझे। हिलाल, लेफ्टिनेंट, मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, कोई मसला है क्या? नहीं तो, अगर तुम उससे मिले हो तो मुझे बता दो। मैं तो नहीं मिला उससे, लेकिन वो यहाँ क्यों आएगी भला? मुझे लगा शायद वो तुमसे मिलने के लिए आई होगी, और तुम्हें मालूम होगा उसके तुम्हारे साथ भी तुम्हारा हसन थे, तो मुझे लगा शायद वो तुम्हारे पास है, ऐसा ही है ना? सितारा मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। जब तुम मुश्किल में थी तो वो मुझसे तुम्हारे लिए मदद मांगने आई थी, और तुम उसे अपनी बहन को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही हो। ठीक है, मैंने सुना तुम्हारे साथ धोखा हुआ, हमें आजाद करने के बदले में तुम्हें कैद कर लिया गया। अहम बात यह है कि तुम महफूज हो, कहीं तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना करता। हैरत है कि ये बात तुम कर रहे हो। तुर्कों से नफरत करने वाले यूनानी फौजी को तुर्क लड़की की फिक्र कब से होने लगी? तुम अपनी जगह ठीक हो, जो तूफान तुम पर टूटा मैं उसको समझ सकता हूं, और जो कुर्बानी तुमने अपने वतन के लिए दी है उसकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। तुमने हमें एहसास दिलाया कि हम लोग कितने बहादुर लोगों के साथ लड़ रहे हैं यहां। जो अपने दुश्मन को इज्जत नहीं देता उसे हरा भी नहीं सकता वो। दुश्मन तो फिर दुश्मन ही होता है आखिर। मैं तुम्हें तुम्हारे फराइज से नहीं रोकूंगी लेफ्टिनेंट। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए या मुझसे कोई भी काम हो तो मैं यहीं मिलूंगा, पर मैं दुआ करता हूं कि तुम्हें कभी कोई मुश्किल पेश ना आए। उम्मीद करती हूं कि मुझे आपकी जरूरत कभी ना पड़े। दुश्मन अगर कोई मीठी बात कर भी दे तो उसका धोखा कभी नहीं खाना चाहिए शेख सादी। हकीकी दुश्मन आपके अंदर लाफानी जुरत पैदा करने में मदद देता है, काफ़का।
सितारा, तुम कहां पर चली गई थी? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अलीना के पास नहीं थी। नहीं तो, मैं तो उसी के पास थी। अलीना घर पर नहीं थी इसलिए दुकान पर मिलने चली आई। मेरी बात गौर से सुनो, वो डॉक्टर मुस्तफा को हर जगह ढूंढ रहे हैं। देखो कोई गड़बड़ मत कर देना। मेरा हाथ छोड़ो हिलाल, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब घर चलो, हमें पहले ही बहुत देर हो गई है। चलो भी। तुम में से बहुत सों के दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि हमने हथियार क्यों डाले और अब हम दोबारा हमला करने क्यों जा रहे हैं। तो सुनो, मैं अनातोली से बखूबी वाकिफ हूं। अनातोलिया की ताकत उस जमीन के रहने वाले हैं, वहां के बासी वहां की ताकत है, उनकी गैरत है, मजाहमत और बगावत उनके खून में शामिल है। आज हम हमला इसीलिए कर रहे हैं कि उनकी मजाहमत को तोड़े। इस बार हम उन्हें सफाए हस्ती से मिटाने के लिए जा रहे हैं। तो जान लो कि तुम यूनान के अजीम सपूत हो और नाकाबिले तस्खीर हो। याद रखना, हम तब तक नहीं हारते जब तक शिकस्त तस्लीम ना कर लें। उन्हें लगता है कि नजीली हमारे हाथों से निकल चुका है, तो उन्हें इसी गलत फहमी में रहने दो। वो जो कल तक हमारी नाकामी पर हंसते थे, आज खुद पर टूटने वाले तूफान से गाफिल हैं। इन अनातोलियों को तो देखो, कितनी जल्दी है इन्हें अनातोलिया वापस जाने की। आज की फतह के बाद ना सिर्फ हम इस भीड़ पर झंडे गाड़ेंगे बल्कि पूरे अनातोलिया पर हमारा कब्जा होगा। तो क्या तुम सब तैयार हो जवानों? बोलो, क्या तुम सब तैयार हो? बहुत खूब, तैयार। जनरल, इन फौजियों के जज्बात को और बढ़ाओ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम शेर दिल जवानों, आप में साले ही उस्मानी कुछ छह दिन और कई फौजा से हैं, और आप में से कुछ दोस्त नाजिली से भी आए हुए हैं। तमाम मुश्किलात के बावजूद आप यहां एक साथ मुत्तहिद खड़े हैं। आप में कुछ साबिका फौजी हैं और कुछ जिहादी गिरोह में लड़ते रहे हैं, मगर आज के दिन हम सब एक हैं। हम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे और यूनानी हमलावरों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हमें कामयाबी होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हमारा असलहा जल्द ही आने वाला है। सबसे पहले हम मगरबी अनातोलिया से इन गाजबों को भगाएंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसकर इन खासबों से अनातोलिया को बचाएंगे। अल्लाह तुम्हारे हौसले बुलंद रखे और तुम्हें सुरखरू करे। हम अपने वतन को बचाने में जरूर कामयाब होंगे। या अल्लाह, हमें अपनी नुसरत अता फरमा और हमें इन जालिमों से लड़ने की हिम्मत दे। क्या हुआ? जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया है, वो दूसरी सिमत में जा रहे। तौफीक फिर से हमें धोखा दे रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसका तार को। तुम हमेशा खुश रहो बेटी, सदा सुहागन रहो और तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन हो। सितारा, इस बैग में अद्वियात है और दूसरे बैग में तुम्हारा सारा सामान है, ठीक है? जैसे ही काफला वहां पहुंचेगा तुम ये बैग डॉक्टर मुस्तफा को दे दोगी, ठीक है? अच्छा, अब जल्दी करो, हमें देर हो रही है। ध्यान से जाना। और तेज चलाओ इसके भाई।
सितारा बेटी बैठ जाओ। मगर अम्मी मुस्तफा साहब तो अभी तक आए ही नहीं। अम्मी आप जरा इसका ध्यान रखिएगा, मैं जाकर डॉक्टर मुस्तफा को देखा हूं, कहीं वो किसी मुसीबत में फंस गए। बेटी परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। सितारा अपना ख्याल रखना ठीक है, और खुदा रा कोई पागलपन मत करना, डॉक्टर मुस्तफा की भी हर बात मानना। तुम ये बिल्कुल भी नहीं छुपा पा रही कि तुम मुझे कितना याद करोगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी सितारा, तुम्हारी जिंदगी में कोई गम ना आए, और खुदा तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। लेकिन मेरी तरह तुम कोई हिम्मत करना ठीक है। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया ना, मैं आपको बहुत याद करूंगी दादी, और तुम्हें भी हिलाल। सितारा खुद को कभी भी अकेला मत समझना ठीक है, तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। कुछ नहीं कहोगे? खुदा निगहबान। शुक्रिया अली कमाल। हौसला करो बेटी। ठीक है दादी जान। कैसी हो सितारा? चलो हमारे पास वक्त कम है। कैसे हैं सब लोग? तुम्हें क्या चल रहा है? खुशामदीद हिलाल। शुक्र है तुम आ गए हिलाल। खुशामदीद। क्या छुपा रहे हैं आप लोग? हिलाल देखो तुम यहां मत आया करो, वरना
किसी मुसीबत में फंस जाओगी। क्या हुआ है मेहमत? हिलाल, हमें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि तुम मरते मरते बची। मुंह बंद करो वरना मैं तोड़ दूंगा। लेकिन अभी तो मैं जिंदा हूं ना, तो अखबार पे कब काम कर रहे हैं हम? बहुत जल्द करेंगे हिलाल, मगर तुम्हारे बगैर। हिलाल देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। हिलाल, ये टेलीग्राम ही है ना, ये सब क्यों छुपा रहे मुझसे? वो हमने अनातोलिया से रابطہ करने की कोशिश की हिलाल, पता नहीं हम कामयाब हो भी पाते हैं नहीं। ये बहुत अच्छा ख्याल है, हम जो चाहें कर सकते हैं। हिलाल, मेहमत, मेरे बाबा क्या सोचते हैं इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अब तो मेरी बहन भी इस तहरीक का हिस्सा है, वो अनातोलिया जा रही है, वो वहां काम जारी रखेगी। मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। और तुम लोग ही कहा करते थे ना कि जो काम तुम्हारे जिम्मे लगाया जाए उसे जिम्मेदारी से पूरा किया करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने फर्ज से हटने वाली नहीं हूँ। अब बताओ क्या करना है। दिल खुश कर दिया तुमने हिलाल। ये बात तो तय है, जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कोई नहीं हरा सकता हिलाल। खुदा हमारा साथ हमेशा कायम रखे। आमीन 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 इलाही आमीन। चलो शुरू करते हैं। हाँ।